हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत कुमार पी जी आल इन वन सोल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे पास ये सैमसंग कंपनी का बी 310 ई मॉडल आया हुआ है। इसके अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम है। जब भी हम इसमें चार्जिंग लगाते हैं ये चार्जिंग शो नहीं करता। एक बार चेक करती हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी 20 की रेंज में सेट करेंगे। और एक प्रोक्स को ग्राउंड पे लगाएंगे, दूसरी प्रोक्स को जो हमारी ये पिन है, चार्जिंग पिन है, इसके पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारी बिल्कुल रीडिंग ओके है। और डाइट पे भी लगाते हैं, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है यहाँ से डाइट से लेके और यहाँ तक के प्रॉब्लम है, कोई हमारा डाइट कैपेसिटर खराब हो सकता है या फिर लाइन ब्रेक हो सकती है। एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक बार थोड़ा आसान सा तरीका और आजमाते हैं। ये हमारे पास एलईडी है, इस एलईडी को इस पे जो हमारा ये बैटरी कंडक्टर है यहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव पे लगाएंगे और नेगेटिव का नेगेटिव पे लगाएंगे। और यहाँ लगाने से ये जो हमारी एलईडी है बिल्कुल ग्लो करनी चाहिए, यहाँ तक इस डाइट तक हमारी ये बिल्कुल ओके सप्लाई है। इसमें कोई लाइन ब्रेक है या कोई डाइट कैपेसिटर खराब हो सकता है। और ये मेरे पास दूसरा सैमसंग का मोबाइल है, इसमें एक बार लगा के चेक कराते हैं कि किस प्रकार हमारी सप्लाई चेक होती है, एलईडी कैसे ग्लो करता है। इस एलईडी को यहाँ लगा के एक बार चेक कराएंगे कि ये किस प्रकार से काम करेगा। एक बार इस पर एलईडी लगाते हैं, ये हमारी एलईडी कुछ इस प्रकार से वर्क करती है। ये हमारा बिल्कुल ओके है। जो हमारा ये दूसरा मोबाइल है, एक बार इसको खोल के इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारा कौन सा डाइट और कौन सा कैपेसिटर खराब हो सकता है। एक बार इसको ओपन करते हैं। मैंने इस पे 2-3 जैक लगाए, जैकों से हमारी बात नहीं बनी। एक बार इस पे चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई कहाँ तक ठीक मिलेगी और कहाँ पर ब्रेक मिलेगी। एक प्रोक्स को जो हमारा ये डाइड है, जो ये ब्लैक वाला डाइड है, इसके लेफ्ट वाली साइड लगाएंगे और एक प्रोक्स को यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ तक इसकी सप्लाई बिल्कुल ओके है। सबसे पहले जो हमने ये डाइट चेक किए हैं, यहाँ इस डाइट तक सप्लाई चेक करते हैं इस पर। अगर हमारी सप्लाई यहाँ पर बजर ओके मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बजर नहीं मिली। एक बार यहाँ से यहाँ तक इस डाइट तक एक जम्फर लगाएंगे। जम्फर लगा के फिर चार्जिंग चेक करते हैं। एक जम्फर जो हमने लगाना है वो जो हमारा ये डाइट है ब्लैक वाला,
इस डाइड से यहाँ तक एक जम्फर लगाएंगे। सबसे पहले मैं जम्फर लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस डाइड तक एक जम्फर लगाएंगे। जम्फर लगाने के बाद एक बार इसकी चार्जिंग चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल चार्ज होता है या नहीं चार्ज होता। एक बार जम्फर लगा के चेक करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और पी के ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो लेके आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। इस वायर को यहाँ से कट कर देंगे। एक बार आपको दिखाते हैं, यहाँ से इस डाइड से लेके इस डाइड तक हमें एक जम्फर कर देना है, और फिर आपको चेक कराते हैं कि हमारी जो चार्जिंग प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ये हमारी जो चार्जिंग प्रॉब्लम थी, पहले यहाँ पर जो हम एलईडी लगाते थे वो एलईडी बिल्कुल भी ग्लो नहीं करती थी। एक बार इस पर बैटरी लगाकर चेक करते हैं, ये बिल्कुल अच्छे प्रकार से चार्जिंग शो होने लग गई है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।